हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की 4 यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट 5th, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से। दैट इज द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सेल्स, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेरिएबल ओवरहेड, लेबर चार्जेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, नेट प्रॉफिट। और हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट बीपी इन यूनिट्स, सेल्स निकालनी है जब प्रॉफिट कितना हो 20% ऑफ सेल हो, और एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। 20% से आप अगर सेल्स को रिड्यूस कर देते हैं बट प्रॉफिट सेम रखना चाहते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स आप सोल्ड करेंगे। देयर आफ्टर फोर्थ है सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग बीपी टू 500 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशंस। अब इसमें ये बोला है कि आप बीपी को कितना फिक्स कर देते हैं 500 यूनिट्स तक, तो आप सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 125,000 की, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर चार्जेस आपके क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो इनको सबको ऐड करके लेस कर देंगे तो ये आ गया आपका 37,500 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इन अमाउंट आ गया है। क्लियर? बट यहाँ चाहिए हमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो अब हमारी यूनिट्स कितनी है, वो है हमारी 5,000 यूनिट्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो इसको हम 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ गई आपकी 7.5। तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 7.5 पर यूनिट और ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, तो बीपी इन यूनिट्स आ गई आपकी 3,000 यूनिट्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सेल्स, बट एक कंडीशन गिवन है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सेल्स का 20%। फाइन, तो अब हमने यहाँ पे सेल्स अज्यूम कर ली है, लेट द सेल्स इज एक्स, तो प्रॉफिट क्या होगा उसका 20%, तो सेल्स का 20% हो गया 0.2x। क्लियर? नाउ रिक्वायर्ड सेल्स निकालने का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और प्रॉफिट अभी आपने यहाँ पे ये निकाला है 0.2x, तो इसको आपने ऐड कर दिया, दैट इज 22500 प्लस 0.2x, ये आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा डैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सेल्स ये गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी क्वेश्चन में, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। क्लियर? इसको माइनस कर दिया, 30% आपका पीवी रेशियो आ गया है। फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स इक्वल्स टू 22,500 प्लस 0.2x, ये हो गया पीवी रेशियो, डेट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 30 इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और ये डिविजन में हो जाएगा, तो 0.3x इक्वल्स टू 22500 प्लस 0.2x। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 22500, ये हो गई आपकी सेल्स। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हम कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे जबकि हमारी सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए और प्रॉफिट सेम रहे, तो इसके लिए प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन सेम ही रहना चाहिए, ये उसमें बोला गया है, प्रॉफिट सेम ही रहना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट भी हमेशा सेम रहती है और आपको बोला गया है कि प्रॉफिट भी सेम रहना चाहिए, डैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका 37500। अब न्यू सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला गया है कि वो 20% रिड्यूस हो जाएगी, तो 25 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 रुपीज, इस 5 को आपने 25 से लेस कर दिया तो 20 आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। नाउ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
50,000, 12,000, 25,000 ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको डिवाइडेड बाय 5,000 कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आने के बाद में हमारा नया कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, डैट इज 20, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया 2.5, ये आपका न्यू कंट्रीब्यूशन है, न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया। बट उसमें ये क्या बोला गया है कि प्रॉफिट सेम ही रहना चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स का आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डैट इज डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना रहना चाहिए, 37,500, और उसको आपको नए कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना है, तभी आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड सेल्स, डैट इज 15,000 यूनिट्स। अब ये 15,000 यूनिट्स आपको सेल करनी चाहिए, बट पहले हमारी सेल हो रही है 5,000 यूनिट्स की, तो एक्स्ट्रा सेल्स कितनी हो गई, 10,000। ये क्यों हो गई, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया, फिर तो सेम ही है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेलिंग प्राइस अगर हम बीपी को फिक्स कर देते हैं 500 यूनिट्स पे, कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमने ऊपर अभी कैलकुलेट की थी, क्लियर है। अब है बारी कंट्रीब्यूशन की, तो इधर आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट है 22,500 डिवाइडेड बाय 500, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 45 रुपीज आपको फिक्स रखना है, तो 45 प्लस वेरिएबल कॉस्ट।